अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ पीएसएल 2022 के सीजन 7 के हवाले से अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। स्पेशली ये अपडेट उमर अकमल के हवाले से है। दोस्तों जिस तरह आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात उमर अकमल की तबाहकुन बैटिंग देखने को मिली और क्वेटा ग्लेडिएटर की जीत में बहुत ही अहम रोल जो है उमर अकमल ने अदा किया और क्वेटा को जो है वो कामयाब करवाया उस मैच में। तो उमर अकमल की दोस्तों स्टेटमेंट भी आई इसके ऊपर, लेकिन आज जो मैच होने वाला है लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर, तो उमर अकमल के फैंस जो है एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उमर अकमल आज एक बार फिर जो है लाहौर कलंदर के खिलाफ भी तूफानी इनिंग्स खेलेगा। तो लाहौर कलंदर वाले सोच रहे होंगे कि पहले जैसन रॉय जो था वो कम था और उमर अकमल भी अब उसने भी हथियार जो है वो तेज कर लिया। तो दोस्तों उमर अकमल की तरफ से कल बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन आज भी शायकीन चाहते हैं कि उमर अकमल की तरफ से ऐसी ही परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिले। तो दोस्तों उमर अकमल की स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है। तो उमर अकमल का कहना है कि कल जो मैंने इनिंग्स खेली, पहले तो मैं अल्लाह पाक का जो है लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और उनका कहना है कि उमर गुल ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान की टीम को ऐसी सिचुएशन में जाकर मैचेस जितवाए हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा उनका कहना है कि शाहिद अफरीदी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, कल भी उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इसके अलावा जो सर विवन रिचर्ड्स हैं जो क्वेटा के मेंटोर हैं, उन्होंने भी उमर अकमल की बड़ी हौसला अफजाई की और उमर अकमल को कहा कि आप कर सकते हैं। उन्होंने उमर अकमल के ऊपर भरोसा किया और उमर अकमल ने बिल्कुल करके दिखाया और क्वेटा के फैंस जो है आप खुशी से जो है झूम उठे हैं। तो आज एक बार फिर लाहौर कलंदर के खिलाफ जो उमर अकमल मैदान में उतरेगा, तो देखना होगा कि उमर अकमल की आज जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। अगर आपको अपडेट चाहिए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब